फ्रेंड्स, जैसे कि आज सभी आप देख पा रहे हैं कि मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ शिक्षक शिक्षण और तकनीकी का सिलेबस। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो हमारा जो पेपर है 4, ये उसका सिलेबस है, ठीक है। इसका कोर्स कोड है E-104। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें इकाई फर्स्ट है, मतलब यूनिट फर्स्ट में जो आएगा इसमें शिक्षा तकनीकी आएगा, मतलब जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में तुम्हें बताना है, ठीक है। और शिक्षा तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा, अवधारणा एवं प्रकार, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपागम, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार उपागम, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, सूचना संप्रेषण तकनीकी, अभिकर्मित अनुदेशन अवधारणा, मौलिक सिद्धांत, रेखीय और शाखीय मान्यताएं और उसके प्रकार, अभिकर्मित अनुदेशन का विकास और सत्यापन, ठीक है। ये शिक्षा तकनीकी का सारा सिलेबस है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अभिकर्मित अनुदेशन, दैट मीन्स इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम। अब सेकेंड यूनिट है इसमें शिक्षण कार्य, मतलब जो भी टीचिंग के जो भी वर्क होते हैं, जो हमारा एक टीचर होता है वो टीचिंग करता है, और टीचिंग के क्या क्या कार्य हैं वो हैं कि शिक्षण की अवस्थाएं और उसके संचालन की पूर्व तत्परता, अंतः प्रक्रिया, अंतिम अवस्था। फिर इसमें शिक्षण के स्तर, कौन कौन से शिक्षण के स्तर होते हैं, एक होता है स्मृति मेमोरी और बोध होता है अंडरस्टैंडिंग एवं चिंतन, ठीक है, ये स्तर है। इकाई थर्ड में हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषाएं, आवश्यकताएं, प्रोजेक्टर के प्रकार, प्रक्षेपित एवं अप्रक्षेपित, फिर इलेक्ट्रॉनिक, फिर बहु इंद्रिय अनुदेशन जिसमें आएगा शिक्षण अर्थ और महत्व। और अब इसके बाद देखेंगे हम, इसमें है एडगर डेल शंकु प्रतिमान, जिसमें कि तुम्हें बताया जाएगा कि क्या है, और फिर है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं, इसमें है ओवरहेड प्रोजेक्टर, दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग यंत्र, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, LCD प्रोजेक्टर। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता, जो भी हम शिक्षण सहायक सामग्री यूज करते हैं उसकी क्या क्या यूजेस हैं, वो है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दूरस्थ सभा, भाषा, प्रयोगशाला, ईमेल है, इंटरनेट है, स्मार्ट कक्षाएं है, कंप्यूटर से अनुदेशन है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट है हमारी फोर्थ यूनिट है, इसमें शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, मतलब जो शिक्षण अधिगम होता है, जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया चलती है उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। उसमें पहले शिक्षण का नियोजन होता है, शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, शिक्षण का अग्रसरण अथवा मार्गदर्शन होता है, फिर शिक्षण का नियंत्रण होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण आव्यूह की, जो शिक्षण आव्यूह है वो है हमारी इसकी स्ट्रेटजी। जैसे हम किसी भी चीज की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वैसे ही हमें टीचिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है। अगर हमें अपना टीचर बनने का जो भी, अगर हमें अपने टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें स्ट्रेटजी उसकी बनानी होगी, उसको फॉलो करना होगा। ये जो आव्यूह शब्द है इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो ये व्यू है, एक्चुअल में क्या है, व्यू। और जो हमारा जो व्यू है वो स्थापित कहाँ से हुआ है, ये हुआ है हमारे युद्ध में, जो हम युद्ध वगैरह सेना में जो युद्ध मतलब सेना होती थी तो वो क्या करते थे, अपने सेना का क्रियाकुशलता के लिए, कार्यकुशलता के लिए और उनके नियोजन के लिए, निर्देशन के लिए एक व्यू का निर्माण करते थे। तो ये वहीं से निकला है व्यू, ठीक है। और वही आपने सुना भी होगा चक्रव्यूह जो बनाया था अर्जुन ने, तो वही है, उसने भी एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी। तो यही है शिक्षण आव्यूह। इसमें अवधारणा और वर्गीकरण, विभिन्न शिक्षण आव्यूह में कौन कौन से आव्यूह आ जाएंगे तुम्हारे, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, अन्वेषण विधि, खोज या ऐतिहासिक खोज, अनुवर्ग, वाद विवाद विधि, योजना विधि, प्रोजेक्ट व्यू रचना, गृह कार्य, मस्तिष्क मंथन, भूमिका निर्वाह, टॉली शिक्षण, व्यू रचना, ये सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6 में है शिक्षण व्यवहार में सुधार, ठीक है, कि शिक्षण व्यवहार उसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, उसकी क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। वो है शिक्षण व्यवहार में सुधार, अनुरूपण शिक्षण, प्रशिक्षण समूह प्रवृत्ति, अंतः क्रिया विश्लेषण, क्रियात्मक अनुसंधान, विभिन्न शिक्षण कौशल के घटकों के संदर्भ में विशेष सूक्ष्म शिक्षण परिचय, पुनर्बलन जिसको रीइन्फोर्समेंट भी बोलते हैं, प्रश्न कौशल, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन व्याख्या और श्यामपट लेखन। ये है हमारा यूनिट 6 का सारा सिलेबस। देन हम बढ़ते हैं यूनिट 7 की ओर। यूनिट 7 में है शिक्षक का व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक का मतलब तुम्हारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा शिक्षक का, कैसे होता है कि शिक्षक मूल्यांकन, शिक्षक स्वायत्तता,
ठीक है। शिक्षक मूल्यांकन का वही मतलब है कि शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है, किसी मतलब शिक्षक छात्रों के द्वारा भी किया जाता है, प्रधानाचार्य के द्वारा भी किया जाता है, तो ये मूल्यांकन हो जाता है। शिक्षक स्वायत्तता होती है कि शिक्षक को खुद पढ़ाने का, खुद से उसको अपने सिलेबस को कंप्लीट कराना, ये सब उसको ना फ्रीडम दिया जाए, ये ना कि उसके ऊपर किसी और की जबरदस्ती थोपी जाए। फिर नेक्स्ट है इसमें शिक्षक जवाबदेही, फिर अध्यापक हेतु संचार संहिता, देन नेक्स्ट है शिक्षक के व्यवसायिक विकास के लिए आव्यू। ये है इसके यूनिट 7 तक। और जो इसमें कार्य असाइनमेंट है, ये आपको इतना वो नहीं है कि यहाँ आपको करना ही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी तुम्हारा ही होता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उपकरण के संचालन, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, किसी भी एक विषय पर प्रोग्राम शिक्षण का निर्माण। ओके, आप प्लीज इस सिलेबस पे ध्यान दें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी अपने एग्जाम्स की स्ट्रेटजी बनाएं और आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू, एंड वीडियो लाइक करें प्लीज, थैंक यू।